हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए भाकड़वड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी स्नैक होता है। आप इसको आराम से टी टाइम में, आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या फ्रेंड्स आ रहे हैं घर में, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप आराम से फटाफट बना सकते हैं और गरम गरम सर्व करिए, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। भाकड़ वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका आटा तैयार करना है, डो। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 कप रिफाइंड फ्लोर मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन, और ये देखिए 1/4 स्पून मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, और साथ में पानी लिया हुआ अराउंड, हाँ देखिए 1 कप से थोड़ा सा कम है जितना यूज़ होगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं भाकड़वड़ी का। सबसे पहले इसमें हम इसमें ये मैदा डाल देंगे डो बनाने के लिए, बेसन भी ऐड कर देंगे इसमें। बेसन आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपने कितना डालना है। सॉल्ट डाल दिया इसमें। आप एक चीज़ और है कि आप अजवाइन भी डालना चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। अभी हम मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब इसके बाद हमने इसको अच्छे से हाथ से, देखिए हाथ से अच्छे से, देखिए मसल मसल के कि ये खस्ता बननी बहुत ज़रूरी होती है। बाहर का अगर जो इसका बेस है भाकड़वड़ी का, वो क्रिस्प नहीं होगा, खस्ता टाइप का नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा भाकड़वड़ी का। इसको हम देखिए अच्छे से, ये देखिए पहले ऑयल से ही अच्छा सा कर लेते हैं, ये देखिए, इसका मतलब ऑयल बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल सही डला है। अब इसके बाद हम पानी की जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे, बहुत ही मुलायम हमें डो नहीं बनाना है। ये देखिए अब इसमें हम साथ साथ थोड़ा सा एट अ टाइम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें पानी, क्योंकि ये डो सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहें तो केवल मैदे की इसकी बना सकते हैं, मैदे की भी, आप बेसन नहीं डालना तो भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस तरीके से चाहें वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा बेसन डालने से ना इसका थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा एक जो बेस है इसका, जो हम बनाएंगे डो मल रहे हैं, एक बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है बेसन डालने से। जो बाहर की लेयर होती है भाकड़वड़ी की, उसका ये देखिए अब हमारा हो गया है, ये देखिए। इसको खट्टा करके अच्छा सा 2 मिनट तक मल लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से खट्टा कर लिया हमारा डो, बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम अच्छे से 1 मिनट और करके हल्का सा मिक्स करके और इसको कवर करके ढक देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आटा हो गया। हम इसको ना इस पे ऑयल लगा दिया था ज़रा सा ऊपर से कि ये सूखा है ना आटा। इसके बाद मैं इसको कवर करके, ये देखिए मैं इसको कवर करके मैं इसको साइड में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अब चलिए इसका जो मसाला बनाना है अंदर का भाकड़वड़ी का, वो बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। देखिए 1/2 स्पून सॉल्ट लिया हुआ है, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून ये देखिए तिल लिए हुए साबुत मैंने, 2 छोटे स्पून शुगर के लिए हुए, 1 छोटा स्पून धनिया पाउडर है, 1 छोटा स्पून रेड चिली पाउडर है, है ना, 1/2 स्पून गरम मसाला लिया हुआ है, 1/2 स्पून जीरा पाउडर है, और ये 1 छोटे स्पून सौंफ का पाउडर लिया हुआ है। आप चाहें तो साबुत सौंफ भी ले सकते हैं। अब इन सब मसालों को हमें ग्राइंड कर लेना है। चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब जितने भी स्पाइसेस लिए थे हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे।
सब इकट्ठे ही डाल लेंगे। अब ये देखिए सारे स्पाइसेस हमने डाल लिए, अब इसको अच्छे से हम महीन पीस लेंगे। ज़्यादातर तो देखिए मेरे मसाले पिसे हुए, पर ये एक बार फिर बहुत ही महीन हमें पीसना है, तो सब अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और अच्छे से पिस जाएंगे। देखिए मेरा भाकड़बड़ी का मसाला पिस गया, देखिए बिल्कुल महीन एक सार हो गया है बिल्कुल, इसीलिए पीसना ज़रूरी होता है। हम वैसे तो सोचते हैं कि हम ड्राई स्पाइसेस ले रहे हैं, सारे पिसे हुए मसाले हैं तो ना पीसे, पर नहीं, एक बार आप ज़रूर पीस लीजिए। पिसे हुए हैं तो भी एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं मसाले। और ये भी हो गया, हमारा आटा भी रखा है, इसको हमने आधा घंटा रखना है। तो चलिए हमारे कुछ टाइम तो हो गया, आधा घंटा पूरा हो जाए तो हम इसको भाकड़बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा ये आटा हो गया है, आधा घंटा हो गया है, हम इसको अच्छे से कर लेंगे। अब यह निकाल लेंगे, एक बार इसको अच्छे से फिर से कर लेंगे, इसको लंबा लंबा करके छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लेंगे इस तरीके से। हम इसको दो टुकड़ों को साइड में रख के ढक देंगे। हम एक आटे का गोला लेंगे और इसको हम अच्छे से गोला बना लेंगे। बाकी जो बाकी आटे के थे हम उनको वापस ढक के कवर करके रख देंगे, क्योंकि उन्हें हवा ना लगे, नहीं तो वो हवा लगेगी तो वो सूख जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लंबा लंबा बेल लेंगे। थोड़ा सा हम और करेंगे, चारों तरफ से हमने अच्छे से पतले से देखिए हमारी रोटी अब बेल गई। हमारी रोटी ये देखिए बेली हुई रोटी पे हम ये जो देखिए हमारे पास सौंठ की चटनी जनरली सभी घरों में बनी पड़ी होती है, इस पे हम लगा देंगे साइड में, बिल्कुल बिल्कुल साइड में, थोड़ा सा इस साइड पे किनारे की तरफ छोड़ देंगे, इस साइड पे यहाँ से हम घुमाते हुए लेके आएंगे। पूरे में हम इमली की चटनी अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए ये हमारी इमली की चटनी अच्छे से लग गई है। अब इसके टाइम बाद हम इसमें ये जो मसाला था, ये देखिए ये जो मसाला था, ये अच्छे से डाल देंगे और फैला लेंगे सारे में, सारी भाकड़बड़ी में इस तरीके से। ये भाकड़बड़ी बनाने के लिए इसमें ये जो है ये देखिए हम अच्छे से पूरे में ये देखिए अब इसको हम फैला लेंगे। इमली की चटनी एक तो हमने देखी कुछ खट्टा नहीं डाला था, एक फ्लेवर देगी, उसके बाद ये देखिए मसाला उससे स्टिक हो जाता है। ये देखिए हमारा हो गया, अब हम इसको रोल करना शुरू करेंगे धीरे धीरे हाथ से। ये देखिए और इस लास्ट वाले में हम थोड़ा सा यहाँ पे ये पानी लगा लेंगे, पानी का हाथ देखिए। अब इसके बाद हम इसको यूं करके हाथों से देखिए थोड़ा सा हाथों से करेंगे,
इस तरीके से हम सारे रोल बना लेंगे भाकरवड़ी के, और उसके बाद हम इसको काटेंगे। ये देखिए हमारा रोल बन गया, हमने हाथों से अच्छे से करके इसको ये हमारा बन गया। अब इसको इसी तरीके से हम जितने हमारे बने हुए थे पेड़े उतने हम रोल बना लेते हैं। मेरी भाकरवड़ी के रोल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लेट हम साइड में रखेंगे, इसे एक एक रोल उठाएंगे। ये जो कॉर्नर का है ना, इसको थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे। या देखिए यूज हो जाएगा, तो ये देखिए इसको इस साइड टाइप से देखिए छोटे छोटे हम पीसेस काट लेंगे। आराम से काटेंगे। इसी तरीके से मैं सारे काट लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ उनको कैसे करना है। ये देखिए साइड का छोटा सा फीका सा था, इसको मैंने निकाल दिया है। इस तरीके से कर लेते हैं, मैं सारे काट लेती हूँ। हमारी सारी भाकरवड़ी कट गई है। अब हमने इसको देना है शेप। देखिए जैसे अब इसको यूँ करके सीधा, ये देखिए यूँ इसको हाथ से हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा सीधा करके हाथ से ये कोनी से प्रेस करेंगे। ये देखिए ठीक है ना, इसी तरीके से सीधा करा हाथ से और यहाँ कोनी से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी भाकरवड़ी कर ले देंगे। हमारी सारी भाकरवड़ी तैयार हो गई। ये साइड में छोटा वाला एक जो रोल बना था उससे छोटी छोटी, अगर आप छोटी छोटी भाकरवड़ी बनाना चाहते तो आप छोटा छोटा रोल बना सकते हैं। बाकी हमारी भाकरवड़ी तैयार है। इसको अब हमने 15 से 20 मिनट ऐसे ही खुला छोड़ देना है, इसको कवर मत करिएगा, क्योंकि जो इसकी बाहर की स्किन है वो ड्राई हो जाए थोड़ा। तो जो जैसे हमने इमली की चटनी लगाई थी ना, वो थोड़ा सा अभी तलना नहीं है तुरंत, तो इसको 15-20 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे डीप फ्राई पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑयल में कितने टेम्परेचर पे कितने कैसे फ्राई करना है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको 15-20 मिनट हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है पैन में, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। और उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे तलना है इसको, हाई फ्लेम पे नहीं तलेंगे। अगर हाई फ्लेम पे जलेंगे तो बाहर से तो तुरंत पक जाएंगी पर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए अब एक हम डाल के देख लेते हैं। अभी हमारा ऑयल को थोड़ा सा और गर्म होने की ज़रूरत है, तो इसको ज़रा सा हम और गर्म कर लेते हैं। हमारा ऑयल अब गर्म हो गया, तो इसमें हम ये भाकरवड़ी ये इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे। इस तरीके से हम सारी इसमें डाल देंगे, जितना देखिए बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, जितना आपको लग रहा है कि एक बार में जितना फ्राई हो जाएंगी जितनी जा सकती हैं एक बार टाइम में। इनको तल लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए भाकरवड़ी हो रही है हमारी। देखिए अब इनको एक बार ही हम हिला लेंगे,
अभी एक मिनट हुआ है डाले हुए इसको। इसको एक बार हिला के अच्छे से फिर हम इसको छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी भाकरवड़ी तैयार हो गई है, बिल्कुल देखिए। हम इसको निकाल लेते हैं इस टाइम पे। देखिए, मैंने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तला था। इसको हम ये देखिए, हमारी बिल्कुल अच्छे से देखिए तैयार हो गई। बाहर की स्किन से पता चलता है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने बाकी की भाकरवड़ी भी तलने डाल दी है। और ये देखिए, ये हमारी देखिए कितनी सुंदर भाकरवड़ी तल के बिल्कुल क्रिस्पी देख के ही लग रहा है ये तैयार हो गई। चलिए हम बाकी भी तल लेते हैं, पूरी भाकरवड़ी तल लेते हैं। इस वाले को भी तल के फिर निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरी भाकरवड़ी। देखिए, हमारी सारी भाकरवड़ी रेडी हो गई है। अब हम इसको चलिए सर्व कर देते हैं। फ्रेंड्स, मेरी भाकरवड़ी बिल्कुल रेडी हो गई खाने के लिए। आप भी इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो घर में बनी हुई का स्वाद ही बिल्कुल फ़र्क होता है। मार्केट में तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, पर जो आप अपने हाथों से बना के खिलाएंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और बनानी भी आसान है, ऊपर से आप इसको सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए। देखिएगा, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। हल्का फुल्का स्नैक है, टी टाइम, कॉफ़ी टाइम, किसी भी समय आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए। और मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ उनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।